हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज हम फेसबुक वेरिफिकेशन बैच के बारे में बात करेंगे। जी हाँ गाइस, आपने बहुत बहुत सेलिब्रिटीज़ के या फिर बहुत सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं या फिर फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, उसमें का जो फेसबुक पेज होता है उसमें आप ब्लू टिक देखते होंगे कि एक वेरिफिकेशन बैच आता है। ये वेरीफाई करता है कि ये जो फेसबुक पेज है वो पर्टिकुलर उसी आदमी का है, उसी क्रिकेटर का है या उसी पॉलिटिशियन का है या फिर कोई भी फेमस सेलिब्रिटीज़ है कि उसी का है। इसमें कोई ऑथेंटिकेशन होता है कि ये पूरी तरह से उसका है, वो आईडी प्रूफ वगैरह दे के सारा कुछ वेरीफाई किया हो रहता है। तो इसके जो कॉपीज़ होते हैं, जी हाँ गाइस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के फैन पेज या फिर जो कॉपी करके जो उसके वीडियोज़ वगैरह डालते हैं या उसमें ऐड करते हैं और उसका एक पेज बना लेते हैं, उसमें आपको जो मेन पेज है उसमें व्यूज़ ना आकर सारा जो वोगस पेज होता है उसमें चला जाता है। इसलिए ये वेरिफिकेशन बैच इशू किया जाता है कि आप एक ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं आप फेसबुक की तरफ से, ताकि ये वेरीफाइड जो पेज है वो वेरीफाइड है। और आप कैसे इस तरह को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप खुद से वेरीफाइड बैच को के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है या नहीं है वो फेसबुक तय करेगा। बट बहुत सारे ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ में देखे होंगे आप, नहीं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका जो नाम होता है उसके सामने ब्लू टिक वेरीफिकेशन आता है। तो आज हम उसी वेरीफिकेशन बैच के बारे में बात करेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कुछ दिन बाद हो सके आपका, यदि उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको टिक मिल जाता है, जो ब्लू टिक वेरीफाई टिक होता है वो मिल जाता है, और अदरवाइज़ वो आपको नहीं मिलता है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का चार्जेस नहीं है, इसलिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि ये फेसबुक पेज या फिर ये फेसबुक प्रोफाइल पर्टिकुलर उसी आदमी का है जो आदमी उसको यूज़ कर रहा है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो फेसबुक का वेरीफिकेशन बैच के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कंप्यूटर लैपटॉप में आपको डेस्कटॉप वर्जन का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं इसको एप्लीकेशन जो है फेसबुक का एप्लीकेशन है उसमें दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको ईजी से अप्लाई कर सकते हैं और वेरिफिकेशन बैच पा सकते हैं। तो आइए फ़ोन के स्क्रीन में लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा फ़ोन स्क्रीन और हम वेरिफिकेशन बैच के लिए फेसबुक का एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। और यहाँ पर जो राइट साइड में ऊपर में 3 लाइन है वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सेटिंग एंड प्राइवेसी और हेल्प एंड सपोर्ट। तो यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हेल्प सेंटर आएगा, हेल्प सेंटर में जाएंगे और इस तरह का एक पेज आएगा। और यहाँ पर आपको जो हेल्प सेंटर के साइड में जो सर्च करना है, यहाँ पर आपको लिखना है वेरिफिकेशन। देखिए ऊपर में वेरिफिकेशन आया, ऐसे करके लिखना है। ये वेरिफिकेशन बैच के बारे में देखिए, यहाँ पर डिटेल में बताएगा हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए वेरिफिकेशन बैच ऑन फेसबुक। यहाँ पर हमको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इसमें डिटेल वेरिफिकेशन बैच के बारे में कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, सारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या क्या नहीं है, सारा कुछ डिटेल में आ जाएगा। प्रोफाइल वेरीफाई करना है और पेज वेरीफाई करना है, सारा के बारे में डिटेल दिया हुआ होगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए वेरीफिकेशन बैच ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। यू कैन सबमिट ए रिक्वेस्ट बाई फिलिंग आउट ए कॉन्टैक्ट फॉर्म टू कन्फर्म दैट योर पेज और प्रोफाइल इज ऑथेंटिकेट और नॉट नोटेबल। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्लू लाइन है यहाँ पर टिक करेंगे तो एक पेज में आपको रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पर आपको क्या वेरिफिकेशन करना है उसके डिटेल्स यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर पेज वेरिफिकेशन करना है तो पेज देना है, आपका सारा पेज आ जाएगा। और अगर यदि आपको प्रोफाइल वेरीफाई करना है तो प्रोफाइल तो ऑलरेडी दिया हुआ ही रहता है, तो यहाँ पर क्या वेरिफिकेशन करना है इसको टिक करके यहाँ पर आपको जो पेज वेरीफाई करना है उस पेज को ऐसे टिक कर देंगे। जैसे मेरा जो फेसबुक पेज है उस पेज में दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए DHN टेक जो है मेरा पेज है, इसमें किस कैटेगरी में ये पेज आता है, आप किस कैटेगरी में आता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कोई फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर आप इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कोई गेमर है या फिर कुछ भी एंटरटेनमेंट का करते हैं, या फिर कोई ब्लॉगर हैं गेमर हैं, यहाँ पर नहीं तो फिर आप अदर में भी डाल के इसको कर सकते हैं। जैसे मैं एक ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर में डाल देता हूँ, यहाँ पर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको सर्च करना है। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर इंडिया सर्च करेंगे तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एक प्लीज़ अटैच ए फ़ोटो ऑफ योर आईडी, एक आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है वो एक आईडी प्रूफ आपको उसको यहाँ पर चूज़ फाइल करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा।
तो एक अपलोड जैसे करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्लीज़ वेरीफाई माई पेज, प्लीज़ वेरीफाई माई पेज जैसे लिख देंगे, वेरीफाई माई अकाउंट या माई पेज ऐसे कर देंगे, माई पेज ऐसे लिख देंगे। ये ब्लैंक भी रख सकते हैं, ये ऑप्शन ले, ये ब्लैंक भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ सेंड कर देना है, जैसे यहाँ पर सेंड करेंगे तो ये फेसबुक के पास चला जाएगा और ये विदिन एक दिन में या फिर 2 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा। यदि वेरीफाई के लिए आप एप्लीकेबल हैं तो ये ऑटोमेटिक से वेरीफाई हो जाएगा और आपको ब्लू टिक जैसा आपको नज़र आता है, जैसे आप कोई भी फेमस सेलिब्रिटी जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं मोदी जी, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मोदी जी का जो फैन पेज है, देखिए यहाँ पर जो ये वेरिफिकेशन बैच है ये कंप्लीट यहाँ पर वेरीफाई किया हुआ है, ये ब्लू टिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यदि आपका नहीं आता है तो किस कारण से नहीं आया वो भी आपको मैसेज द्वारा मिल जाएगा, वो नोटिफिकेशन दे देते हैं। यहाँ पर कोई भी सेलिब्रिटी और जैसे सबसे आप बड़ी यहाँ खबर पर, आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए जी हिंदुस्तान का पेज है वो भी वेरीफाइड है। यहाँ पर जो भी आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज़ का हिंदी का चैनल है ये भी आपको वेरीफाइड है, आपको बहुत सारे जो जी न्यूज़ इंग्लिश का चैनल है वो भी आपको वेरीफाइड। ये वेरीफिकेशन का मतलब यही होता है कि ये ऑथेंटिकेशन होता है, जो ब्रांड हो गई है कोई भी ब्रांड हो गई है या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है या फिर कोई भी अपना पर्टिकुलर फेमस सेलिब्रिटीज़ हो गया, क्रिकेटर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, कोई यूट्यूबर हो गया, बहुत सारे लोग का वेरिफिकेशन होता है जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये 99% लोग का वेरिफिकेशन होता है। ये ऑथेंटिकेट करता है कि ये जो प्रोफाइल है आपका पर्टिकुलर उसी आदमी का है और इसमें कुछ जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो पर्टिकुलर वही आदमी करता है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, होना ना होना ये फेसबुक की तरफ से आता है, तो आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। ओके तो देखा गया इस तरह से आप वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर यदि उसमें एलिजिबल हुए और आपको जो पर्टिकुलर डेटा का ज़रूरत पड़ता है जो फेसबुक को उसके रिकॉर्डिंग, आप अगर यदि एलिजिबल हैं तो आप उसका जो वेरिफिकेशन बैच है 1 से 2 दिन में आ जाता है, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आ जाता है। और अगर यदि नहीं आता है तो किस कारणवश नहीं आया उसका भी रिप्लाई वो देती है, वो आप बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। और आप अपने एप्लीकेशन या फिर आप यदि लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप जो वेब ब्राउज़र होता है फेसबुक का उसमें आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ईजी से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।